हेलो फ्रेंड्स, मौसम खुला है तो आज हम अपनी छत पे फिर से आ गए हैं। और सबको पता है कि इस समय कितना काम होता है बगीचे में। जरा सी बारिश खुलती है तो घर में बेशक काम छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर का काम तो होता ही रहेगा। बाहर बारिश रुकी है तो चलो पहले हम बगीचा दिखाते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये बोगनविला की हमने जो कटिंग की थी हार्ड प्रूनिंग पिछले महीने, तो उसमें अब नए फुटाव भी आने लग गए हैं। अब हमें ज़रूरत है इसकी रिपोर्टिंग करने की, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस जो इसमें थे वो धुल गए हैं, पानी के संग बह गए हैं। तो रिपोर्टिंग करेंगे हम इसमें आने वाले मौसम में नए फूल और अच्छे फूल देने के लिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एम है 10,000 सब्सक्राइबर्स इस साल में 2021 में। तो आप लोग की मदद के बिना तो ये संभव नहीं है। प्यार आप लोग मेरे ऊपर बरसा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस बोगनविला के प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। बारिश का टाइम हो गया है, सबसे अच्छा समय है। और इससे पहले मैंने करीब 15-20 दिन पहले इसकी आप देख रहे हैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी खूब। ये सब बड़ी बड़ी जो टहनियाँ हैं ये काट दी थी। अब इसमें ये नए फुटाव भी आने लग गए हैं। आप अगर इनको भी पिंच करते रहेंगे, आप इनको भी हटाते रहेंगे इस तरह से, तो आपका जो प्लांट है वो एक अच्छी शेप लेने लगेगा। नए फुटाव आएंगे और आपका प्लांट पूरा इस तरीके से भरने लगेगा। और ये देखिए, इसमें ये ज़्यादा ही बड़ी हो गई है स्टेम, जो मुझे नहीं चाहिए। तो हम इसको भी निकाल देंगे पूरा यहाँ से काट के, क्योंकि ये बहुत वीक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको पहले गमले को खाली करते हैं। हाँ, बारिशों में ये काम सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हवा में नमी बहुत है। और आप ये देखिए इसकी, ये कितनी ज़रूरी थी इसकी रिपोर्टिंग करना। अब आप इसको मिट्टी को थोड़ा साफ करिए वहाँ पे। ये साइड्स की तकरीबन आप आधी मिट्टी जो है वो निकाल दीजिए, और नीचे की जो है इसमें रह गई है गमले में, आप देखिए 1/3 के करीब, बहुत अच्छा है ये। और ये जो इसकी जड़ें हैं जो कॉइल हो गई थी, इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। बस अब ठीक है इतना। ये इसकी जो जड़ें हैं, हम लोग यहाँ से इतनी इनको काट देंगे। एक शार्प एज वाले इंस्ट्रूमेंट से काटिएगा। दिखाइए, ये और भी थोड़ी कट सकती है, एक साइड में रख दीजिए। अब इस गमले की मिट्टी बिल्कुल हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, जो पुरानी मिट्टी है, क्योंकि इसके जितने भी न्यूट्रिशन था पानी के संग और ओवर द टाइम पीरियड 1 साल से इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, वो सब बह गया था। ये देखिए पूरा इसमें जड़े जड़े हो गए हैं इकट्ठी, न्यूट्रिशन बिल्कुल इसमें रहा ही नहीं। ये मिट्टी साइड कर लीजिए और मिट्टी आप अपनी निकाल लीजिए। गमला दोस्तों साफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसके लिए मैं बड़ा गमला नहीं लूँगी, क्योंकि क्या है कि ज़रूरत नहीं है। बोगनविला थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट रहे उसको अच्छा लगता है, ज़रूरत नहीं है इसके लिए बड़े गमले की। और मेरे पास तो आप सबको पता है जगह का भी रेस्ट्रेन है, तो इसलिए हम लोग वापस इसी गमले में इसको फिर से लगाएंगे। और गिट्टियाँ देखिए कितनी सारी निकली हैं। अच्छी तरह से कम 1-1.5 इंच तक आप इसमें गिट्टी लगाइए। अब आप ये देखिए, ये मिट्टी हमने बना ली है इसकी। इस मिट्टी में मिट्टी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी पत्ती की खाद है, कंपोस्ट है और गोबर की खाद है। और ये कंपोस्ट तो घर की ही है। और थोड़ी सी मैंने इसमें थोड़ी सी बिल्कुल क्ले मिला दी है। कुछ भी नहीं मिलाया है और अभी इसे हम लोग और कुछ मिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी अभी हम लोग इसमें और कुछ मिलाएंगे तो उससे हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी जो हमको अभी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो खाना जो भी आप न्यूट्रिशन इसको दे रहे हैं वो सब फॉलिएज में निकल जाएगा, और जबकि हमें चाहिए इसके फूल। तो अभी ये ग्रो करने दीजिए, इसको अपनी खाद से स्ट्रेंथ लेने दीजिए, और जो आपके इसमें नए फुटाव आएंगे उसको शेप देते रहिए, पिंच करके अपने गमले को पूरा भरने दीजिए जिस तरह से आप क्रिसेंथेमम का करते हैं। तो आपका गमला जब हम लोग इसको फिर से सितंबर में इसकी टॉप अप करेंगे तब हम इसमें अच्छे फूल पा सकेंगे। तो अब ये मिक्स हो गया है और अब सॉइल का टेक्सचर देखिए, एकदम भुरभुरा और लाइट है। एकदम ऐसी ही सॉइल होनी चाहिए जिससे पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। बोगनविला में पानी उसका दुश्मन है, मॉइस्चर रहे थोड़ा क्योंकि गमलों में है, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। भरिए आपसे तकरीबन 1/3 हम लोग भर लेंगे, थोड़ा और भरिए, बस थोड़ा निकाल लीजिए। रखिए गमला, पौधा रखिए, पौधे को रख के देखिए कि सेट कहाँ हो रहा है, और ऊपर का 1-1.5 इंच खाली रहना चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें ऊपर से टॉप अप करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सीधा है थोड़ा सा, बस 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 आप डालिए, पकड़े। और साइड से मिट्टी दबाइए, बीच में मत दबाइए, जिससे कि उसकी जड़ें जो हैं वो वहां से डिस्टर्ब ना हो। एक बार थोड़ा सा गमले को उठा के ठोक लीजिए, बस ये इस तरह से। वातावरण में दोस्तों खूब नमी है, खूब अच्छी तरह ये अपनी जड़ इसमें नई थ्रो करेगा और बढ़बार भी खूब अच्छी फिर इसमें हो जाएगी। बस अब इसमें पानी डाल के एक बार हम लोग रख देंगे। अगर बारिश हो रही है तो पानी डालने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद फिर इसमें दोबारा पानी डालने की हमें बिल्कुल जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरह से आप अपने बोगनविला की इस समय अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो कर लीजिए हार्ड प्रूनिंग, और रिपोर्टिंग तो जरूर ही कर लीजिए अगर आपने पिछले 1 साल में अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की है तो। होपफुली आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर ली है अपने पौधों की, और आप भी जरूर कर लीजिएगा और अच्छे फूल पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर of yourselves, of your plants. Come out in the garden and work. Goodbye.